नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखिए दोस्तों, बात करेंगे अपन आरपीसी के नए चेयरमैन को लेकर, क्या अपडेट न्यूज है। एमएल लाटर का नाम सबसे आगे चल रहा है, डीजीपी है ये राजस्थान के, और इनका कार्यकाल भी 23 मई 2022 तक रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव के 2 दिसंबर को रिटायर होने को लेकर सरकार ने नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी है। आज या कल में हो सकते हैं नए अध्यक्ष की नियुक्ति। एम एल लाटर को लेकर आरपीसी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो उन्हें मौजूद पद से इस्तीफा देना होगा। डीजीपी पर अभी उनका साल भर का कार्य बाकी है। लाटर अगर आरपीसी अध्यक्ष बनते हैं तो बीएल सोनी डीजीपी बन सकते हैं, वहीं उनकी जगह पर सौरभ श्रीवास्तव एसीपी का डीजीपी बनाया जा सकता है। 10 मई 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, क्योंकि ये 62 ईयर्स हो जाएंगे। आरपीसी में अध्यक्ष अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक रहता है या 6 वर्ष तक अधिकतम कार्यकाल होता है। और ऐसे भर्ती